बहुत अच्छी होगी। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं नहा करके आ गई हूँ, दिख रही हूँ, रेडी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, पहले उससे पहले मैं पूजा करूँगी, फिर इसके बाद नीचे जाऊँगी। और आज बनाना है मुझे ब्रेड पकौड़ा, तो आलू मैं चढ़ा करके आई थी नहाने से पहले ही, और पक भी गया होगा क्योंकि मीडियम साइज के इतने इतने बड़े आलू मैंने डाला था ना, तो 3-4 सीटी में पक जाता है। और थोड़े बड़े आलू अगर साइज के आप डालते हो ना, तो फिर 6-7 सीटी भी दिलाना पड़ जाता है, वरना फिर एकदम जो अंदर का पार्ट होता है ना, वो नहीं पकता है सही से। तो चलते हैं अभी नीचे, बट उससे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ बनाती हूँ। और ब्रेड पकौड़ा में मेन आलू को छील करके तलने वाला प्रोसेस ये है मेन काम, जो क्योंकि बाकी तो फिर ब्रेड को आलू को बीच में ब्रेड के स्टफ कर देना है और मैदा का घोल बना करके उसमें डिप कर करके डीप फ्राइड कर लेना है। लेकिन हाँ, चटनी भी बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा करते करते टाइम लग जाना है, वो लगता है कि कुछ क्या करना है, बस इतना ही तो करना है। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, सबसे पहले मैं आलू छील लेती हूँ और इनको छीलने के बाद फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। तो इतना छोटा छोटा आलू था ना, जितना ऐसा होता नहीं है कई बार कि घर में बड़े बड़े आलू यूज होते रहते हैं रोज़ खाना में और छोटे छोटे आलू बचते जाते हैं टोकरी में, बचते जाते हैं, तो वही बहुत सारे रखे थे ना, तभी मेरे दिमाग में भी आया था कि ये छोटे छोटे आलूओं को कैसे यूटिलाइज़ करूँ, लाओ ब्रेड पकौड़ा ही बना लेती हूँ। तो इनको ना छीलने में फिर टाइम भी लगता है और अभी छील लेती हूँ, इसके बाद फिर आगे चटनी भी बनाना है मुझे और अभी बेसन का घोल भी तैयार करना है। सारी प्रिपरेशन हो गई है और अभी मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये यही ना पास वाली दुकान से ही ब्रेड आए हैं, तो बहुत छोटे छोटे साइज़ वाले आए हैं, तो इनको मैं ऐसे कट नहीं करूँगी दो पार्ट में, बस ऐसे ही ना एक एक ब्रेड में लगा लगा करके और ऊपर से एक ब्रेड को स्टफ़ कर दूँगी, रख दूँगी, मतलब आलू स्टफ़ करके, और फिर बस वही बेसन के घोल में डिप करके डिप फ्राइड कर लेना है। तो वैसे ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये छोटे छोटे जो ब्रेड रहते हैं ना, ऐसे एकदम प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से ब्रेड पकौड़ा बनते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और सोचो ऐसे मैं बाहर बैठी हूँ, सब लोग सो रहे हैं, सोने का टाइम भी है और सब लोग सो भी रहे हैं, लेकिन मैं इन महासे की वजह से बैठी हूँ। दिखा दे तुमको भी, क्यों शैतानी बहुत तुम करते हो, और तुम्हारी चुटैया पीछे कहाँ भग गई, दिखा दे तुमको भी, तुमको नहीं सोना है, वहाँ इसको नहीं सोना है और इसकी वजह से मेरी भी नींद खराब है। तो ये 12 बजे सोया था और 2 बजे उठ गया है, 2 घंटे की नींद इसने ले ली है, अभी फिर शाम के टाइम पे सो जाएगा, और बच्चों में ऐसे ही होता है,
जब वो सोए तब तुम भले ही रेस्ट कर लो, अगर वो जग रहे हैं तो फिर कोई संभाल ही नहीं है। और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ। खैर मौसम आज का अच्छा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी बिल्कुल नहीं है, तो बाहर बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, अच्छा ही लग रहा है। और इसी वजह से मैं टिकी भी हूँ, वरना मैं इसको कुछ भी हो जाता अंदर ही रखती अगर ज़्यादा गर्मी होती। आपको भी दिखा दें, चलो घुमा कर लाते हैं आपको, चलो चलें, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी चलती हूँ मैं, इसको थोड़ा सा पेड़ पौधों के पास भी घुमा देती हूँ, इसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा, मेरा भी। और अभी ना ये यहाँ पे चारपाई में बैठे बैठे खेल रहा था, और ये चले गए हैं कुंडा साइड। कुंडा क्या होदेश्वर नाथ, होदेश्वर नाथ या होदेश्वर धाम है क्या है, मंदिर गए हैं। इनके कुछ फ्रेंड्स आए हैं ना, उन्हीं के साथ गए हैं। जाने का मन तो मेरा भी करता है, बट अभी इसकी झालर है ना, और झालर में ऐसे मंदिर नहीं लेकर जा सकते। और हम लोग वहाँ कृपालु मंदिर जाने का प्लान बना रहे थे, मनगढ़ मंदिर, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि जन्माष्टमी आ रही हो, और जन्माष्टमी में मतलब जन्माष्टमी ही एक रीज़न है इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, अभी पूरा मेला टाइप का लगता है वहाँ, तो नहीं जा पाएंगे। अभी जब मैं अगली बार आऊँगी तब फिर मनगढ़ मंदिर जाएंगे, क्योंकि मेरा बहुत मन है। और हम लोगों ने ना कल से प्लानिंग भी बना ली थी कि जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे अब इस बार, क्योंकि सब बता रहे हैं कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहती है, पैदल बहुत दूर तक चलना पड़ता है। तो अभी ठीक है, अगली बार जाएंगे। आपको मौसम भी दिखा दूँ कितना अच्छा हो रखा है। और बस मैं सोच ही रही थी कि लग रहा है बारिश होने वाली है, और वहाँ कर मैं ये बैठा ही था उद्दू, और जैसे ही मैं थोड़ा सा मैं कुछ देखने लगी, और उतने में बारिश इतनी तेज़ की होने लगी कि जल्दी से मैं भाग करके गई और इसको मैंने उठा करके अंदर पोर्च में किया। और अभी ना इतना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना कि मन कर रहा था बस बाहर ही घूमते रह जाओ। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, और मैं बना रही हूँ आज डिनर में मशरूम की सब्ज़ी। तो मशरूम की सब्ज़ी अच्छी भी बहुत लगती खाने में, थोड़ा सा ग्रेवी वाली रहती ना, तो मुझे चावल के साथ बहुत अच्छी लगती, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये आप लोग देख सकते हो, सारी प्रिपरेशन मेरी हो गई। मशरूम को भी मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे से, और बस अभी मैंने प्याज पका लिया है, फिर मसाला डाल दिया है। मसाला सारे बेसिक्स हैं जो सब्ज़ी में डाला जाता है। और इसके बाद फिर मैंने टमाटर की प्यूरी डाला, मटर डाल दिया, और अभी काफ़ी देर तक इन सबको अच्छे से पकाना है। और जब ये अच्छे से पक जाएगा ना, इसके बाद फिर मैं मशरूम डाल दूंगी इसमें, और पानी डाल देना है। तो पानी ठीक ठाक क्वांटिटी में डालना पड़ता है, क्योंकि मशरूम बहुत टाइट होता है ना, तो काफ़ी टाइम लेता है पकने में। सुबह का टाइम है और मैं जा रही थी काम करने अपना, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं अपने वीडियो का एंड कर देती हूँ। काम क्या, मेरी साड़ियाँ बहुत सारी पड़ी हैं, तो सबको फोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि अभी अब जाने का टाइम भी पास आ रहा है, तो जितना भी सब मैसी पड़ा हुआ है ना, ये सब कुछ सेट करके मैं रख करके ही जाऊँगी, ऐसे तो फेंक करके जाऊँगी नहीं। तो बहुत सारी साड़ियाँ, कम से कम 8-10 साड़ियाँ तो होंगी। क्या होता है ना, मैं मशीन में इकट्ठे जैसे साड़ियाँ डालती हूँ, तो फिर वो बहुत सारी फोल्ड करने के लिए भी हो जाती हैं। तो अभी सबको फोल्ड करके रखती हूँ, फिर इसके बाद ही नहाने जाऊंगी। और अभी टाइम है तो कितना मतलब 2-4 दिन का टाइम तो है ही अभी, लेकिन फिर भी ये है ना कि जो फैला हुआ है उसको मैं धीरे धीरे सेट करती जाऊं, ताकि ऐसा ना हो कि जिस दिन जाने का टाइम है ना, उस दिन मेरे ऊपर बहुत लोड पड़ जाए कि ये भी करना है वो भी करना है। तो मैं आगे से आगे अपनी चीजें ना सारी सेट करके रख दे रही हूँ, और अभी आप समझो ना के बराबर ही टाइम बचा है, क्योंकि पहले तो जब आई ऐसा था ना कि अभी बहुत लंबा रहना है, बहुत लंबा, तो उसकी कंपेयर में तो अभी कुछ भी टाइम नहीं बचा है। और ठीक है, आना जाना तो लगा ही रहता है, जब जाएंगे तब फिर दोबारा आएंगे। और ऐसे देखो ना, मेरठ से आई फिर पूरा कितना 1.5 महीना, मैं जुलाई में आई थी शादी में, और तब से मतलब पूरा 1.5 महीना हो गया मुझे, और पता भी नहीं चला, इतना जल्दी टाइम निकल गया ना कि बिल्कुल भी पता नहीं चला है। और देखते देखते पूरा टाइम निकल गया, और फिर मेरठ जाने का टाइम आ गया,
और वहां से भी देखते देखते टाइम निकल जाएगा, फिर आने का आ जाएगा। चलो मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। और मेरा ना देखो ये स्टिकर पूरा का पूरा निकल गया, आप लोग को दिखाऊं। अभी मैं सोच रही हूँ ना कि मैं इसको निकाल ही देती हूँ, ये पूरा का पूरा ऐसे निकल गया है। उधर साइड से तो और बुरी तरीके से निकल गया है। तो मैं सोच रही हूँ अगली बार जब आऊंगी, इस बार नहीं, अभी इस बार लगा रहे, इतनी मेहनत से मैंने मंगाया हुआ था तो इस बार लगा रहे, फिर मैं अगली बार इसको निकाल दूंगी। क्योंकि अभी ना ये निकल गया, कहीं पे चिपका हुआ है, कहीं पे निकला हुआ है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। और मैं देखूंगी फिर कोई नया स्टिकर मंगाऊंगी, बट अब ये ऐसे वाला नहीं मंगाऊंगी। इतना छोटा 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 लीव्स हो गए और डाल हो गए, मतलब बहुत छोटा छोटा पिंजरा हो गया, अलग अलग था ना, तो इसको चिपकाने में भी बहुत मशक्कत करना पड़ा था और निकल भी रहा है छोटे छोटे की वजह से। तो अभी ना मैं अगले टाइम मंगाऊंगी तो कुछ वैसे टाइप का मंगाऊंगी ना, जो बहुत बड़े साइज में हो और इकट्ठा चिपक जाए। देखो जो वाले स्टिकर आते हुए इकट्ठे तो पूरे के पूरे चिपकते नहीं, कुछ ना कुछ आपको वो नंबर लिखे रहते करना ही पड़ता है, बट ये बहुत ही छोटा छोटा हो गया था। आपको दिखाऊं खुद ही, एकदम छोटी छोटी, सब कुछ छोटा छोटा सा था, सब कुछ अलग अलग था, तो पूरा अलग अलग ही हमें सब चिपकाना पड़ा था। तो अब इस तरीके का नहीं मंगाऊंगी। तो चलो ठीक है, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।